आंदोलन में नुकसान हुआ, उनकी भाषा में नुकसान, ये प्रावधान लाया था। फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अकॉर्ड किया इसको, ऑन द बिल ऑफ जेम्स विल्सन थे जिन्होंने ये, एट दैट टाइम ही वॉज फाइनेंस मेंबर ऑफ द काउंसिल। 1860 के बाद इनकम टैक्स कई दौरों से गुजरते हुए आज के रूप में आपके सामने है। 1860 के बाद 1857 में कुछ चेंजेज आए, 1873 में से लेकर 76 तक 3 साल हिंदुस्तान में टैक्स नहीं रहा। 76 के बाद फिर 1918 में सही रूप से जो जिसको कि इनकम टैक्स एक्ट का नाम दिया गया, 1918 में 1900 एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट आया हिंदुस्तान में। उसके बाद 1922 इनकम टैक्स एक्ट जिसको कि हम अभी भी कई जजमेंट्स में पढ़ते हैं, 1922 के बाद फिर हम 1961, हमारे बीच में दो वरिष्ठ जो एडवोकेट्स बैठे हैं या सीनियर टैक्स पेयर जो हैं इनको पता है, जो पहले टैक्स रेट होते थे कितने हाई होते थे। 85% टैक्स रेट था, 10% खर्चा जो करता था, तो ऑलमोस्ट 93-94% टैक्स हो जाता था। आज की डेट में जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 30% है। और सबसे बड़ी बात जो रही, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर पहले टैक्स नहीं था क्योंकि उस पर लगान लिया जाता था अंग्रेज सरकार की तरफ से, बट उसके बाद भी अभी तक एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। आप सुन के हैरान होंगे, फर्स्ट टाइम जब ये इनकम टैक्स लगा तो जो टैक्स कलेक्शन थी वो 1,33,00,000 थी, और अभी जो 31 मार्च 2017 को साल पूरा हुआ है उसमें 8,08,48,692 करोड़ टैक्स कलेक्ट हुआ, जो कि इस साल के लिए हमारे लिए टारगेट दिए गए हैं 9,80,000 करोड़। तो ये सब टैक्स कलेक्शन जो है हमारे ऊपर ही लगती है, हमारी सुख सुविधाओं के ऊपर ही खर्च होता है। कितनी भी सुविधाएं हैं, अगर हमारे बीच में बैठे हैं सीनियर, ये ही उस चीज़ को बयान कर सकते हैं कि जो पहले सुविधाएं थी, जो रंग रूप था हमारे देश का, उससे बदल कर हम कहां तक पहुंच चुके हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप साथियों से ये कहूँगा, क्योंकि आप लोग ही टैक्स पेयर्स को गाइड करते हैं हमारे से ज़्यादा, आप लोग ही उनको समझा सकते हैं कि टैक्स देने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह रहेगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जितना ड्यू बनता है वो जरूर कर पे कर जो है अदा किया जाए। मैं अब हमारे बीच में जो सीनियर टैक्स पेयर्स बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें इसके ऊपर। धन्यवाद।
ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆ ਪੈਰ। ਮੈਂ ਸਭੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੋਸਤੋਂ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਆਜ ਹਮੇ ਯੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਜ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੇ ਡਰ ਲੱਗਤਾ ਥਾ। ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਯੇ ਕਹਿਤੇ ਥੇ ਯੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇਂਗੇ। ਆਜ ਇਹਨੇ ਹਮੇ ਬੁਲਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਇਸ ਪੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਕਭੀ ਬਚਪਨ ਕਭੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਯੂੰ ਹੀ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸੀ ਪੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੋ ਆਪਕੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋ ਹਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਥਾ, ਇਹ ਡਰ ਥਾ, ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਬ ਨੋਟਿਸ ਆਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਮ ਇਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਉਨਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੇ, ਜੋ ਹਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਗਾ ਤੋ ਹਮ ਅੱਛੇ ਹੋਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਉਹ ਰਾਖੜੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਰਾਖੜੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਸਸਤੀ ਦੋ ਆਪ। ਉਹ ਕਹਿਤੇ ਹਮ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਲੈਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੰਗਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਗਨੀ ਰੇਟ ਮੇਂ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹੇਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਹਮੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ।